नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटू एल्कीन लिया है एच प्लस के साथ हीट किया है और वैसे भी आप ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे अगर आपको तो ये बात समझ में आ जाएगा कि भाई आइसोमराइजेशन टाइप की ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब आप एच प्लस की प्रेजेंस में हीट करोगे तो एल्कोहल तो बना रह नहीं सकता वो आइसोमराइज कर जाएगा फर्दर तो क्या होगा बताइए हम लोगों ने ये लिया ये एच प्लस लिया ये H प्लस लेने के बाद ये एल्कीन में यहाँ बाहर कार्बोकेटाइन बन गया ये कन्फ्यूजन वाला सवाल था बेटा कि भाई कैसे करें एस्त्रीओ प्लस जोड़ के एल्कोहल पे रिएक्शन रोक दें या एल्कीन बना दें तो ध्यान देंगे क्यों क्यों इसके बारे में एल्कीन के बारे में क्यों सोच रहे हैं बेटा क्योंकि इसने हीट किया है तो ध्यान देना एक बच्चा अगर इसको सवाल को सही समझते हुए इसको एक्सपेंड करता है एक्सपेंड करने के बाद आपको यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन मिलता है ये वाला ठीक है अब ध्यान से देखना अच्छे तरीके से देखना तो अगर कोई बच्चा इसमें एच टू ओ का अटैक करवा देता बेटा ऐसे तो ये वाला एल्कोहल अगर मिलता तो कंफ्यूजन ज्यादा बड़ा हो जाता अगर आपको सवाल के ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन होता तो आपको ये वाला ऑप्शन मार्क करने का आपका मन करता जो कि काफी हद तक आप सही भी होते क्योंकि इन्होंने जो काम किया है बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर करता है टे इस काम में माहिर होता है आइसोमराइजेशन वगैरह करने में डाइल्यूट एस टू एसओ पानी जोड़ने के काम में क्या आता है बेटा हाइड्रेशन काम करने के में आता है लेकिन फिर भी इन्होंने एक काम अच्छा किया इन्होंने ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया था पता नहीं बाद में ये देते उसके बाद हम लोग चैलेंज करते रहते और फिर नहीं होता फिर वापस से आइए यहां पर यह कार्बोकेटाइन मिल गया आपके पास अब इससे एल्कीन बनाना बच्चे को बहुत आसान है एक यहां से एच प्लस हटा सकते हैं ये एल्कीन बनी एक यहां से H+ प्लस हटा सकते हैं एक ये एल्कीन बनी और एक H से हटा सकते हैं तो ये एल्कीन बनी तो ये तीन एल्कि बनने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन गर्म कर रखा है, आइसोमराइजेशन है तो जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी या मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी दैट विल बी द आंसर और वो जा रहा है थर्ड तो द आंसर विल बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटू आते हैं नर्गेनिक का आपका क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऑक्ट्राहीड्रल एम टू कॉम्प आपका जो कॉम्प्लेक्स हैं और जो टेट्राहेड्रल निकल टू कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनसे आप लोगों से पूछा है कि आपके हिसाब से वो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं उन्होंने कहा बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन इसमें कोई शक की बात नहीं है बेटा अगर आप क्या ले लेंगे वीक वीक फील्ड ले लेंगे तो दोनों के ही कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन के बन सकते हैं नो no इश्यूज ये सिंपल सी बात थी नेक्स्ट था एन NI, आपका निकल का टू में अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं ठीक है कॉम्प्लेक्स लेने पर वो वेरी रेयरली लो स्पिन होगा सही बात है जो इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो हाई आपके स्ट्रांग फील्ड लिगेंड बनाएंगे वो बहुत रेयरली और वो होते स्क्वायर प्लेनर है बेटा और उनकी स्पिन हमेशा कैसी होती है लो और वो रेयरली ही बनते हैं फिर थर्ड उन्होंने कहा कि विद स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स एम एन टू कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उस समय एम एन टू प्लस के पास जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे एम एन टू के पास क्या होंगे कॉम्प्लेक्सेस उनके पास, पास, पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सिर्फ एक होगा और उसी एक की वजह से वो आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया कैन बी लो स्पिन होंगे क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद अगर हम इसका उल्टा कर दें वीक फील्ड डिगेंट्स ले लेंगे अगर हम लोग तो उस केस में आपके कॉम्प्लेक्सेस जो वो हाई स्पिन के हो जाते हैं क्योंकि उसमें आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइव हो जाता है नेक्स्ट है आपका एक्वा सोल्यूशन ऑफ एम एन टू आयन इज येलो इन कलर ये एकदम सीधी सीधी सी गलत बात है वो पिंक कलर के होते हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट बेटा सही जा रहे हैं आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और इसीलिए आंसर आपका जाएगा थर्ड आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं उन्होंने कहा कंसीडर दैट D6 मेटल आयन है बेटा M2 टू प्लस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एक्वा लिगेंड्स एक्वा का मतलब क्या हो गया वाटर वाटर का मतलब वीक फील्ड लिगेंड इसका मतलब क्या हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा यहां से पकड़ेंगे हम क्वेश्चन को एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज फोर पॉइंट नाइन जीरो बोर मैगनेटॉन्स मतलब कितने इसके पास फोर द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज तो उसके बारे में बात करते हैं जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी बेटा इसमें कि 4.90 बोर मैग्नेटॉन्स हैं इसका मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर चार अब सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं एम एच टू का होल सिक्स टू प्लस इसके बारे में इसके जो डी सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड की वो देखते हैं हम लोग तो ई जी और टी टू जी में यहां पर नीचे है वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन गए फोर्थ यहां जाएगा एक बार आपको ऐसे दिखा देता हूं मैं अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो इस तरीके से होगी यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इस तरीके से और बेरी सेंटर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर है आपका पॉइंट सिक्स डेल ओ और नीचे की तरफ है आपका माइनस पॉइंट फोर डेल ओ तो इसकी सी एफ ऐसी जब आप निकालेंगे तो दिस इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर चार तो माइनस पॉइंट फोर डेल ओ मल्टीप्लाइड बाई फोर ऊपर कितने हैं बेटा आपके दो इलेक्ट्रॉन्स ये है आपका पॉइंट सिक्स डेल ओ मल्टीप्लाइड विद टू क्योंकि वीक फील्ड लेग है आपको पता है बेटा तो पेयरिंग एनर्जी इसकी यहां पर हम लोगों को पेयरिंग होगी नहीं पेयरिंग कर नहीं पाएगा करवा नहीं पाएगा ये तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने ये लिख दिया है तो इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये आएगा माइनस पॉइंट फोर डेल ओ दूसरा आप लेते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एम एच टू का होल फोर प्लस टू इसमें टी टू और ई e स्प्लिटिंग हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जाएंगे इसमें आपको पता होना चाहिए बता देता हूं आपको फिर से एक बार फिलिंग वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इसमें नीचे उल्टा हो जाता था इसका आपको पता है ये माइनस पॉइंट सिक्स डेल टी है बेरी सेंटर के ऊपर और पॉइंट फोर डेल टी है इसका आप जब निकालोगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा थ्री तो माइनस पॉइंट सिक्स डेल टी मल्टीप्लाइड विद्री और पॉइंट फोर डेल टी मल्टीप्लाइड विथ थ्री और इसमें भी पेयरिंग वही सेम बात पेयरिंग की कोई बात नहीं होगी तो इसका आंसर आता है माइनस का पॉइंट सिक्स डेल टी तो इसका आंसर आता है आपका सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आपका स्टेटमेंट बोला है ओजोन के बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है जो कि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जेई मेन वालों का आपको मालूम है हमेशा पूछते हैं वो लोग तो आपको इसमें ये पता ना था ओजोन के बारे में स्टेटमेंट बताने थे कौन सा सही है कौन सा गलत है तो ये सबसे पहली चीज तो स्टेटोफेयर में है उसमें कोई इस में कोई दिक्कत की बात नहीं ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट ये सब लोग जानते हैं आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने इन्हीं सब चीजों को बोल बोल के सनस्क्रीन वगैरह बेच डाली है ढेर सारी कि भाई वो छतरी लेके चलो अदरवाइज ये करो वो करो प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन एंड ऑल तो ये स्टेटमेंट इनका सही है दूसरा इन्होंने कहा है ये यूवी रेडिएशन से बचाती है ये वाली बात ओजोन की एकदम सही है ओजोन में लेयर में छेद हो गया इसीलिए तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं भाई अब उसके बाद सेकंड की बात करते हैं इट इज अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विद NO गिव्स NO2 बिल्कुल सही बात है NO के साथ ये NO2 बनाता है ओजोन और ये टॉक्सिक भी होता है तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गया थर्ड उन्होंने कहा इन द एटमोस्फियर इट डिप्लीटेड बाई सी एफ सी यानी क्लोरोफ्लोरोबन जो होते हैं वो जब पहुंच जाते हैं एटमोस्फियर में तो वो जाके ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उसको डिप्लीट कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल सही नेक्स्ट इसका मतलब देखो पहले तीन सही हो गए तो फोर्थ तो आंसर हो ही गया लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करते हैं उन्होंने कहा इन द स्टेटोस्फियर क्लोरोफ्लोरोबन रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल अरे ये भी सही लग रहा है विच रिएक्ट विद ओजोन टू गिव क्लोरीन क्लोरीन डाइऑक्साइड ये गलत है क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल बनाता है यही है वो क्लोरीन रेडिकल बनाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अल्ट्रावायलेट स्प्रेडिएशन पड़ती हैं बेटा तो टूट जाते हैं सी एफ सीज तो सी एफ सीज किस में टूटते हैं बेटा सी एल डॉट में और सी एफ टू सी एल डॉट में और ये सारी चीजें गैस में है ठीक है ये जो बना सी एल डॉट ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके आपका बनाता है क्लोरीन ऑक्साइड और इन्होंने क्या लिख दिया है उसको क्लोरीन डाई ऑक्साइड बनाता है जो कि गलत है अगर यहाँ पर ये डाई हटा दो बेटा ये तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है तो और इन्होंने क्या पूछा था नॉट ट्रू बहुत सारे बच्चे गलती क्या की होगी उन्होंने नॉट नहीं पढ़ा होगा ट्रू और पहला सही लगा होगा

जो बिल्कुल सीधे सा क्वेश्चन था बेटा ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं तो सीधे टिक तुरंत पाँच से सात सेकंड का ये होता है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स तो इसमें जो सबसे पहला मेथड था बेटा ऑस्ट बाल प्रोसेस वो आपको मालूम है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है दूसरा वाला था वन एर्कल मैथड ये वेपर फेज रिफाइनिंग है जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए और जो तीसरा था यही है आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो किसके लिए यूज होता है बेटा को प्रिपेयर करने के लिए होता है और फोर्थ था आपका प्रोसेस जो वेपर रिफाइनिंग है निकल की ये सब आप लोगों को पता होगा ये तो सीधे सीधे आंसर था थर्ड ब्रेडिक्स आर्क मेथड तो ये ऐसे सवाल होते हैं बेटा जिसमें नंबर लुटाता है जेई मेन तो अपने को दोनों हाथों से बटोर लेने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन था काफी आसान था ये भी स्कोरिंग था वाइल टाइट्रेटिंग डायलूट एच सी एल विद एक्स एन ओ एच विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बिक्वायर्ड ये कॉमन सेंस से भी सवाल किया जा सकता था क्लैम्प ऑफ फिनोपथिलीन तो चाहिए आपको फिनोपथिलीन क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है पिपेट और डिस्टिल्ड वाटर भी चाहिए बिना पिपेट तो आप समझ ही सकते हैं नेक्स्ट है ब्यूरेट और पॉर्सलीन टाइल भी आपको चाहिए ब्यूरेट ब्यूरेट तो चाहिए ही आपको नेक्स्ट बेटू आपको बर्नर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको मेजरिंग सिलेंडर की कोई जरूरत है तो इसका राइट right आंसर कौन सा था फोर्थ तो ये सीधे सीधे ये तो दिख रहे हैं कॉमन सेंस से भी अगर आप करोगे तो आंसर बर्नर को देख के भी बच्चा बोल सकता है आंसर क्या है फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो गैसीय स्टेट के ऊपर है इसमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा वाला ग्राफ आइडियल गैस के लिए सही नहीं है आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है बेटा डी आर टी बाई एम डी में और वन बाई टी में डायरेक्ट रिलेशन है डी में और वन बाई टी में डायरेक्ट रिलेशन है ये ग्राफ सही हो गया आपका डी में और पी में आपके डायरेक्ट रिलेशन है ये ग्राफ भी आपका सही हो गया डी में और टी में आपके डी में और टी में आपके इनवर्स रिलेशन है तो ये हाइपर बोला आ गया आपका और यहां पर डी और टी में इन लोगों ने आपको डायरेक्ट रिलेशन दिखा दिया जो कि गलत है जबकि डायरेक्ट रिलेशन है डी में और वन बाई टी में तो ये वाला आपका ग्राफ नंबर टू गलत है तो इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया है सोल्यूशन से ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है नाइनटी ने थोड़ा अलग अलग तरीके से आंसर किया दिया है अपन अपना पक्ष देख लेते हैं एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन एक्म विद विद वाटर वेपर इज इन सील्ड कंटेनर वेन अ फ्यू ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड टू द बीकर ऑफ वाटर द रेट ऑफ विच वॉटर मॉलिक्यूल्स तो इसको ध्यान देंगे बेटा ये आपका यहां पर आपने नॉर्मल वाटर ले रखा था ठीक है ये सिचुएशन थी अब आपने क्या किया इस वाटर में आपने ऐड कर दिया ग्लूकोज ग्लूकोज एक सॉल्यूट तो है लेकिन उसकी एक खास बात है बेटा कि वो नॉन वॉलेटाइल है तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है वो सरफेस एरिया जो होता है उसको सरफेस को ऑक्युपाई करता है उस सरफेस को ऑक्यूपाई करने के कारण जो आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है तो जो वेपराइजेशन के लिए जो एरिया अवेलेबल था वो घट जाता है उसको घटने के कारण लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है वेपर प्रेशर आपका जो वो घट जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस से छोड़ के जो जा रहे थे उनका घट जाएगा उनका उनके नंबर क्या हो जाएंगे डिक्रीज कर जाएंगे तो आप जब लाइन ये पढ़ेंगे बीकर ऑफ द वॉटर द रेट ऑफ विच वॉटर मॉलिक्यूल्स लीव्स द वेपर इंक्रीजेस लीव्स द सोल्यूशन इंक्रीजेज लीव्स द सोल्यूशन डिक्रीजेस तो राइट right आंसर ये है कि लीव्स द सोल्यूशन डिक्रीजेस लेकिन एनटीए ने ये वाला आंसर भी दिया है जो किसी भी तरीके से अपने को तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये किस तरीके से आंसर है अपने हिसाब से तो सिर्फ थर्ड ही आंसर था वैसे एनटीए ने वन और थ्री दोनों आंसर दिए तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू था बेटू आगे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है आपका उसमें बहुत आसान भी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था द फिगर दैट इज नॉट अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम तो जो एटम की जो क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करती हैं वो चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ते थे वो थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन था स्पेक्ट्रम था लेकिन अगर आप इस पर देखोगे तो इसमें इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो ये ग्राफ एकदम सही लिखा हुआ है लेकिन ये कभी भी इंटरनल एनर्जी आपका कभी भी एटम का क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज नहीं होता है तो जो आपके तीन जो ग्राफ हैं जो सबसे सही हैं वो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है और एक स्पेक्ट्रम वाला है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला है इसे हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाते हो तो लोअर वेवलेंथ की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट होता चला जाता है लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं थी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कौन क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एटम की तो सीधा सा आंसर है बेटा फर्स्ट जो कि सही है ग्राफ लेकिन क्वांटम नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है Thank you.